हेलो फ्रेंड, एजुकेशन चैनल रेलवे टारगेट एनटीपीसी में आपका स्वागत है। आज से मैं 2018-19 में पूछे गए परीक्षाओं में जीके, जीएस एवं करंट अफेयर का क्वेश्चन कराऊंगा। बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। जातक कथाओं में जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन किसमें वर्णन मिलता है? ये किसका है? बुद्ध का। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने अल्बर्ट रामोस बिनोलास को हराकर 10वीं बार मार्टे कार्लो मास्टर्स खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। एक समान वर्ष में कितने विषय दिन होते हैं? एक दिन। भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय को। 2018 में त्रिपुरा चुनाव में राजनीतिक दल सत्ता में आई थी बीजेपी। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है क्या? हाइड्रोजन। 1928 की फिल्म देवदास की निर्देशक कौन थे? नरेश मित्रा। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम, Cl2। HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है क्यों? वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑडोमीटर। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम की। वह जानवर जिसके नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? प्लेनेरिया। हाल ही की फिल्म संजू के निर्देशक कौन है? राजकुमार हिरानी। 2016 में वह भारतीय गोल्फर जिसने अपने करियर में दूसरी बार बैंक BRI JCB इंडोनेशिया ओपन में जीत हासिल की है? गगनजीत भुल्लर। 2018 FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? 11। उत्तल दर्पण को और भी किस नाम से जाना जाता है? अपसारी दर्पण। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 में प्रदान किया गया था किसे? जावेद अख्तर को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व कौन है? ऑक्सीजन। 2015-16 के दौरान अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार दिया था? कृषि कर्मन। अति उष्माक्षेपी है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। संरक्षण एक गंभीर समस्या है फेरिक का। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। किस भारतीय ऐप को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2018 में सर्वश्रेष्ठ एम गवर्नमेंट सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ? उमंग। इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार को SIES श्री चंद्रशेखर रेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक नहीं कर सकते जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को वर्गीकृत किया था
छह भागों में। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ओम के नियम के अनुसार स्थिर होता है। विवा आई अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में क्या प्राप्त होता है? इथिन। साकेत साई माइनेनी किस खेल से संबंधित है? टेनिस। विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत हीटर। कार्ल लिनियस को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन का। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? आमिर खान। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रतिरोध के। HCL के कार्यकारी निर्देशक और CEO कौन है? रोशनी नादर। वस्तु के द्रव्यमान का मापन कौन सा मापन कहलाता है? जड़त्व का मापन। फिल्म फेयर अवार्ड 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया था? आलिया भट्ट को। जनवरी 2016 में अखिल भारतीय रेडियो AIR ने इंटरनेट के माध्यम से एक गैर पारंपरिक ऑडियो प्रसारण चैनल लॉन्च किया, जो कला के विशेषज्ञों, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत, कर्नाटकी और हिंदुस्तानी दोनों के लिए फ्री डिश के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। इस चैनल का नाम क्या है? रागम। 108 उपनिषदों में से किस उपनिषद को मुख्य माने जाते हैं? 11वां उपनिषद। गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां क्रियान्वित होती है। मेढक का कूदना, हाथ से लिखना। CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? 28। 2017 में पेरू गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एम सुम्बा रायडू को। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1526 ईस्वी। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? हाइड्रा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त का आवर्त में केवल गैस है? 1। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने समुदाय के स्वामित्व वाले एक पेयजल कार्यक्रम गंगोत्री स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस परियोजना और स्वजल की शुरुआत की है उत्तरकाशी में। वह देश जो मार्च 2017 में घरेलू हवाई यातायात के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? भारत। लगातार 3 IPL खिताब जीतने वाले कप्तान का नाम क्या है? रोहित शर्मा। कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में फरवरी 2018 में आयोजित ऑस्कर साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड्स 2018 में साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? विकास साठे को। भारत का न्यूनतम बिंदु क्या है? कुट्टुनाड। भारतीय नागरिकता ग्रहण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? JVS हल्दाने। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? KK वेणुगोपाल। स्टारफिश किससे संबंधित है? एकाइनोडर्मटा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण है सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भांगर। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी तत्व के संयोजक शक्ति कहलाती है संयोजकता। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुण थ्री किस देश में है? नेपाल। ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर मापन क्या करता है? दूरी। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो उत्सर्जित गैस को गैस वाली शुष्क नली के माध्यम से क्या निकलता है? CaCl2। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो रेलवे टारगेट NTPC को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।